वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली एएमपी होता क्या, और बहुत सारे लोगों ने एएमपी को रिलेटेड अपनी साइट पे इंस्टॉलेशन भी किए। आप भी होंगे शायद उसमें से जिन्होंने एएमपी का इंस्टॉलेशन किया। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएमपी के एडवांटेजेस क्या है, और उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पिंग किया कि एग्जैक्टली गाइस हमें एएमपी इंस्टॉलेशन के बाद में इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चार और पांच चीजें हाईलाइट करने वाला, अगर आप उन चीजों पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका एएमपी वर्जन एक्यूरेटली काम करने लग जाएगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं सबके सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सर्दी टाइप का हो गया तो इसकी वजह से वॉइस थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सो गाइज, डेफिनेटली इसलिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस मैंने मेरी साइट पे एएमपी वर्जन पे की, और इसकी वजह से साइट के मोस्टली 20-30 पेजेस जो एएमपी मोड में थे सबके सब एरर के अंदर चले गए, और इसकी वजह से साइट का ट्रैफिक अप्रोक्स 50% डाउन हो गया क्योंकि एएमपी पेजेस जो गूगल में टॉप 10 पेजेस के अंदर रैंक कर रहे थे सब सर्च इंजन इंडेक्सिंग से बाहर हो गए। लेकिन इन्हें हाउ मैंने उनको फिक्स कर लिया और वो वापस धीरे धीरे वापस रैंक करेंगे, तो मे भी 2-3 दिन लगेगा वापस जहां पर थे वहां पर सेट हो जाएंगे। तो गाइस इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपकी साइट का एग्जिस्टिंग ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो डेफिनेटली कर लीजिएगा अगर आप एएमपी वर्जन यूज करना चाहते हैं। एएमपी को कैसे इंस्टॉल करना है डिटेल में पूरा वीडियो है, एएमपी में एडसेंस का एड कैसे लगाना है डिटेल में पूरा वीडियो, और इन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमने एएमपी का कौन सा प्लगइन यूज किया था। तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख सकते हैं हमने यूज किया था एएमपी फॉर डब्ल्यूपी, और वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है जिसे हर कोई यूज करता है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, एएमपी का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपकी साइल का डेस्कटॉप वर्जन जो होता है उसका लोडिंग स्पीड बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप उसको एएमपी वर्जन में दे देते हैं तो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज होता है, मतलब कि आपके पेज का जो स्पीड होता है डेटा लोडिंग का वो पूरा इंक्रीज कर देता है और आपकी साइट का जो लोडिंग स्पीड है उसको भी बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली आप एएमपी वर्जन यूज कीजिएगा। चलिए गाइस, वो चार पांच चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, और यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरा गूगल वेबमास्टर, और यहां पे देख सकते हैं अभी भी करंटली 5 पेजेस जो है वो एरर में चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पे 25 पेजेस एग्जैक्टली सारे के सारे एरर में आ गए थे, लेकिन अभी मैंने फिक्स किया है, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं अभी भी वैलिडेशन इसका ऑन है और 11 पेज पास हुए हैं, 5 अभी भी पेंडिंग में है। और ये वो सारे पेजेस थे जो टॉप 10 में रैंक हो रहे थे और उसकी वजह से साइट का ट्रैफिक डाउन हो गया क्योंकि ये इंडेक्सिंग से ही बाहर हो गए। ओके गाइस, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का एरर आ सकता है, कस्टम जावास्क्रिप्ट इज नॉट अलाउड, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे फिक्स करता है, सारा का सारा चीज मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज जो आपकी साइट में जो आपको करना है, वहां पे मैंने कुछ 4-5 पॉइंट आपको लिस्ट किए हैं बेस्ड ऑन जो आपने ईमेल्स डाले हैं उसमें से। तो सबसे पहला तो है एएमपी के अंदर एडसेंस का एड कहां से लगाया जाए। तो डेफिनेटली गाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप जाएंगे जैसे ही, तो यहां पर आपको सेक्शंस होते हैं किस तरीके से प्लेस करना डिटेल में, तो यहां से एड्स लगाइएगा तो आपकी साइट पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन एएमपी वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो आपकी साइट का लिमिटेशंस हो जाता है कि आप ज्यादा एड्स नहीं लगा सकते फ्री वर्जन के अंदर, तो आपको उनका प्लगइन लेना पड़ता है जो कि एक पेड प्लगइन होता है, उसके थ्रू ही आप डेस्कटॉप की तरह मल्टीपल जगह पे एड्स प्लेस कर पाएंगे। लेकिन एनी हाउ अगर आप इनका फ्री वाला सेक्शन यूज करते हैं तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा आपके हेडर में और नीचे टॉप बॉटम में दो जगह भी आप एड लगा पाएंगे अगर आप इनका फ्री वर्जन यूज करेंगे। और यहां पर एड लगाने के प्रोसेस में बता चुका हूं, वहां से समझ लीजिएगा, अगर यहां पर आप एड कोड प्लेस करते हैं तो किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये जो जावा स्क्रिप्टिंग का जो एरर आएगा वो कहां से आ सकता है, तो आपको जनरल के सेक्शन के अंदर जब भी जाते हैं और मे बी अंडर सेटिंग के अंदर सेक्शन के अंदर एक यहां पे इनका एक ऑप्शन है जहां पे आपको एड का प्लेसमेंट करना है। सेटिंग के अंदर आप जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है एंटर एचटीएमएल इन हेड, एंटर एचटीएमएल इन बॉडी। तो जब गूगल एडसेंस के एड कोड को जनरेट करता है वहां से आपको दो चीजें दिखती है, राइट, एक होता है आपको वहां पे कोड मिलता है जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, दूसरा कोड मिलता है यहाँ पे पेस्ट करना है। तो क्या होता है जब भी उस कोड को पेस्ट करते हैं तो उसमें एक आती है, एक चीज आती है वहां पे जावास्क्रिप्ट का एक कोड आता है, तो आपको क्या करना है वो कोड यहाँ पे प्लेस करके देखना है, वो जो मैंने अभी यूआरएल वहां से कॉपी किया इस यूआरएल को आप यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ओके, और इसको रन करना, तो आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा।
अभी आप जो वहां पे कोड प्लेस करने वाले हैं, अगर उस कोड को आप यहां पे इंसर्ट करते हैं और चेक करेंगे तो यहां पे आपको बताएगा फेल, मतलब कि आपका गूगल का एडसेंस का ऑटो कोड, ऑटो ऐड कोड आपको एएमपी प्लगइन के साथ में यूज नहीं करना है। अगर किया तो जैसा ही मेरे साइट के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है, तो डेफिनेटली उसको मत यूज कीजिएगा। मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे किस तरीके से उसको फिक्स किया जाए, सिर्फ एक तरीका समझ में आया, वो है इनका प्रीमियम प्लगइन यूज कीजिए, तभी आप ऑटो एडसेंस का एड लगा पाएंगे। अदरवाइज इनके डिफॉल्ट दो और तीन ऐड ही है जो आप आपकी साइट पे एक टॉप पे और एक बॉटम पे प्लेस कर पाएंगे। तो ये इशू आपको डेफिनेटली आ रहा होगा अगर आपने नई नई साइट अभी स्टार्ट की और ऑटो एडसेंस को इंप्लीमेंट किया है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जहां पे मैंने ऑटो एडसेंस को कैसे ऐड किया जाए एएमपी में एक्सप्लेन किया था, तो ये आप मत कीजिएगा। ओके, ये पहली चीज। अभी दूसरी चीज बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं एएमपी वर्जन आपके सिर्फ मोबाइल के अंदर दिखना चाहिए, डेस्कटॉप के अंदर नहीं। आपने एएमपी इंस्टॉल किया है तो वो मोबाइल के अंदर एएमपी वर्जन कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको मोबाइल रीडायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा या ऑन भी रह सकता है, तो आपको इसको ऑन रखना है और टैबलेट पे हमें डेस्कटॉप वर्जन दिखना चाहिए। तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका साइट का डेस्कटॉप पे इस तरीके का डेस्कटॉप वर्जन है और एएमपी वर्जन आपके सिर्फ मोबाइल के अंदर दिख रहा है तो कैसा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि डेफिनेटली इस प्लगइन का ये वाला सेक्शन ऑन करना है। तभी इस वीडियो में मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूं, पूरा डिटेल इंस्टॉलेशन वीडियो आप मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है। तो मेक श्योर कीजिएगा मोबाइल रीडायरेक्शन आप ऑन रखिए, तभी आपका पेज जब भी कोई मोबाइल में खोलेगा तो वो वहां पे ऑटो रीडायरेक्ट होगा। ओके, तो ये पहला सेक्शन था। ओके, हमने एएमपी का एडसेंस के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद इसको डिस्कस किया, इसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो मैंने कस्टमाइजेशन का वीडियो बनाया था वहां पे आपको थोड़ा कैटेगरीज और उसके बारे में नहीं बताया था, तो कैटेगरीज और जो आपके मेन्यूज होता है वो आपको कहां पे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जैक्टली आपकी साइट पे जैसे ही आप नीचे फुटर में ऐड करना चाहते हैं या फिर टॉप पे ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जनरल थीम कस्टमाइजेशन के अंदर आना होगा एएमपी से बाहर। ओके, तो आप अपीयरेंस के अंदर अगर आप यहाँ पे कस्टम विजिट में जाएंगे, ओके, तो अपीयरेंस के विजिट में जाएंगे तो आपको पहले सिर्फ ये दिख रहा था, लेकिन एएमपी ऐड करने के बाद में आपको ये एएमपी वर्जन पे दिखेंगे। तो अगर आपको नीचे ऐड लगानी है तो आप सिंपली जैसे इसमें कस्टमाइज करते हैं आप इस तरीके से हेडर में, फुटर में, जहां जहां पे भी आपको कुछ भी लगाना है एएमपी वर्जन के अंदर वो आप यहां से लगा सकते हैं। तो गाइस यहां पे मैं बता दूं कि अगर आपको फुटर में ऐड लगाना है, फुटर में पेजेस जैसे अबाउट अस, होम और ये सारा सब कुछ डालना है, तो वो एएमपी का जो प्लगइन है उसमें नहीं होगा, आपके जनरल थीम कस्टमाइजेशन जो सेक्शन होता है उसके विजिट के सेक्शन के अंदर होगा। तो ये भी आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर लीजिएगा तो आपका इश्यू फिक्स हो जाएगा। दूसरा इश्यू, जब भी आप एएमपी का पेज क्रिएट करते हैं तो आपके मेन्यूज के ऑप्शन नहीं आते उस प्लगइन के थ्रू, तो वो कहां पे आएगा, तो वो भी गाइस आपको यहीं से आएगा। तो अपीयरेंस के अंदर आपको मेन्यू के सेक्शन के अंदर जाना है, तो जब मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पहले हमने सिर्फ हमारे डेस्कटॉप साइट के लिए मेन्यू क्रिएट किया था, तो सिमिलरली अब की बार हमने क्रिएट किया है हमारे एएमपी के लिए। ओके, तो एएमपी के लिए हमने मैंने क्रिएट किया और यहां पे एक बार फिर से आपके होम, ब्लॉगिंग, क्रिप्टो, मेरा जो भी कैटेगरीज है वो सारी की सारी मैंने मैप कर दी। तो इसके बाद मेरी साइट जैसे कि हम देखते हैं उसके एएमपी वर्जन के अंदर वहां पर उसका मेन्यू क्रिएट हो गया है। तो यहां पर मैं करता हूं एएमपी। ओके, तो यहां पे एएमपी करने से अभी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वहां पे मेन्यू एडेड है। तो वो मेन्यू का जो सेक्शन होता है उसके लिए आपको थीम कस्टमाइजेशन के अंदर मेन्यू के अंदर आकर के ये सारा सेटअप करना है। ओके, जहां पे आने के बाद आपको सारे जो भी पेजेस हैं या फिर जो भी आपको ड्रॉप करना है, जैसे कि मेरी साइट पे होम पेज है उसको मैंने लिया हुआ है और मैं यहां पे कैटेगरीज के अंदर आना है, और यहां पे कैटेगरीज के अंदर आने के बाद में आपको सारे के सारे कैटेगरीज को आपके मेन्यू सेक्शन के अंदर ड्रॉप करके सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने सबको क्लिक किया तो यहां पे ऑटो ऐड हो गए। तो अब की बार में जब भी कोई मेरी साइट का एएमपी वर्जन ओपन करेगा तो यहां पे जो मेन्यूज आ रहे हैं यहां पे देख सकते हैं ये मेन्यूज मैंने यहीं से सेट किए हुए हैं। तो ये उसमें मिसिंग था तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। मेन्यू आपको डेफिनेटली कस्टमाइजेशन के सेक्शन में मेन्यू के अंदर जाकर के करना है। ओके, और दूसरा चीज, आपकी साइट पे ये सारी चीजें सेटअप हो चुकी है तो गाइस डेफिनेटली आप जाकर के चेक कर सकते हैं किस तरीके से होता है। दूसरा, आपने मेरी साइट पे देखा होगा अभी कल की डेट के अंदर होम पेज के आप क्लिक कर रहे थे तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसका इशू भी मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली उसके लिए आपको क्या करना है। तो जनरली आपको क्या करते हैं, यहां पर डिजाइन के सेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, तो यहां पे होम पेज का सेक्शन होता है। होम पेज के अंदर मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सारे के सारे पेजेस है मे बी सेटिंग्स के अंदर है वो सेक्शन, तो सेटिंग्स के अंदर आपको एक वहां पे एक सेटिंग आपको चेंज करना है। एडवांस सेटिंग के अंदर चेक करते हैं और मे बी यहां पे नहीं है तो आई थिंक जनरल के अंदर है। ओके, तो जनरल के अंदर आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका एएमपी किस किस को सपोर्ट करेगा, पोस्ट को ऑन रखिएगा, पेजेस को ऑन रखिएगा,
होम पेज को ऑन रखिएगा। अगर ये कस्टम होम पेज को हमेशा ऑफ रखिएगा, अदरवाइज जो इश्यू मेरे साथ आ रहा था कि होम पेज पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पेजेस नहीं दिखेगा। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा ये होम पेज रखिएगा तो इसका डिफॉल्ट जो प्रीव्यू होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी मैंने अभी मेरी साइट पे बताया आपको, इस तरीके से आपको डिफॉल्ट प्रीव्यू दिखेगा जहां पे आपके सारे पोस्ट जो वहां पे लिस्टेड रहेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहां पे आप डेफिनेटली पोस्ट कौन रखे, पेजेस कौन रखे, होम पेज कौन रखे, इसको ऑफ रखें। ये सारी सेटिंग्स उसमें है, लेकिन ये हाईलाइट था कि आपको बता दिया कि एग्जैक्टली इसको कैसे सेटअप करना है। सो मेक श्योर कीजिएगा गाइस, ये सारा सेटिंग आपकी साइट पे होगा तो आपकी साइट पे एएमपी में कोई इश्यूज नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।